ने नेताओं और कार्यकर्ताओं का उनको जीत का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि दलितों के चाय और लंच करें और उनसे जाति के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करने के लिए कहें। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है, ऐसे में हर पार्टी अपनी तरफ से कई तरह की कोशिशें कर रही है अपने वोट बैंक को साधने और नए वोटरों को पार्टी से जोड़ने की कोशिशें भी लगातार जारी है। और इसी के बीच उत्तर प्रदेश भाजपा प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं को चुनाव जीतने का गुरु मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आपके नजदीक के गांव में रहने वाले 100 दलितों के घर जाएं और उनके घर जाकर चाय पिएं। 100 दलितों के यहाँ चाय पीने के बाद उन्हें समझाएं कि चुनाव में मतदान राष्ट्रवाद के नाम पर करें, ना कि जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर। गांव के नजदीक 100 दलितों के यहाँ चाय पियो, 10 दलितों 100 दलितों के यहाँ चाय पियो और उसको समझाओ मतदान जाति के नाम पर नहीं होता है, मतदान पैसे के नाम पर नहीं होता है, मतदान क्षेत्रवाद के नाम पर नहीं होता है, मतदान राष्ट्रवाद के नाम पर होता है। मित्रों, मतदान राष्ट्रवाद के नाम पर होता है। यूपी में विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिशें कर रही है, जिसके मद्देनजर 16 नवंबर को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करने वाले हैं, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार में काम हुआ है और विपक्ष को योगी सरकार से सीख लेनी चाहिए। किस प्रकार सरकार चलाए हैं राज्य के अंदर, उनकी नोटिस लेने की आवश्यकता क्या है? जब से सरकार बनी है उनको प्रेरणा लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी से कि मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। एक ईमानदार मुख्यमंत्री, कानून के राज करने वाला मुख्यमंत्री और एक्सप्रेस हाईवे से लेकर एक एक योजनाएं आप देखेंगे, संपूर्ण विकास की जितनी योजनाएं हैं, चाहे एक्सप्रेस हाईवे हो, बुंदेलखंड का हो, चाहे पूर्वांचल का हो, चाहे जितने एक्सप्रेस हो, चाहे एयरपोर्ट हो, मतलब एक बार सीखना चाहिए कुल मिलाकर विकास कैसे हो, गरीब खुशहाल कैसे हो, सभी जातियों को नौकरी कैसे मिले और सभी जातियों का, सामाजिक के सभी वर्गों का सम्मान कैसे हो और राज्य खुशहाल। बदल गया भाई, आज बॉम्बे में भैया लोग नहीं करते हैं, लोग कहते हैं क्या योगी जी के यहाँ से आए क्या? देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में हर पार्टी अपनी तरफ से कई तरह की कोशिशें कर रही है। अब देखना ये होगा कि किसकी कोशिश कितना रंग लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।